राधे राधे मित्रों, आप सभी को पंडितायन छवि शर्मा की ओर से हार्दिक अभिनंदन। लीकेज कहें या डैम्पनेस, वास्तुशास्त्र में इसे समृद्धि और सौभाग्य का दुश्मन माना गया है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके घर में भी लीकेज या सीलन पनप रही है तो उसका तुरंत इलाज कराएं। किसी जानकार प्लम्बर को बुलाकर उस सीलन का सोर्स पता करें। कई बार दीवार के पीछे पुराने फटे हुए पाइप दीवार की सीलन का स्रोत होते हैं, तो कई बार छत या सीलिंग की सीलन का कारण ऊपर के किसी फ्लोर पर बाथरूम या किचन के किसी अंदरूनी फिटिंग का लीक होना भी हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से यह अशुभ है। अगर आप अपनी तरफ से सारे प्रयास कर चुके हैं और फिर भी घर से सीलन जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो मुमकिन है कि आपके घर का उत्तरी और दक्षिणी भाग वास्तु दोष से ग्रस्त है। दरअसल जिस घर का नॉर्थ और साउथ जोन का वास्तु बैलेंस बिगड़ा होता है, वहां ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे भवन जिनमें हर तरफ बंद दीवारें हों और खिड़कियां सिर्फ उत्तर दिशा में हों, वहां भी इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्योंकि उगते हुए सूरज से लेकर ढलते हुए सूरज तक कोई भी सीधी किरण इस घर के अंदर नहीं पहुंच पाती। कुछ समय बाद ऐसे घरों के मेंबर्स को त्वचा संबंधी रोग भी हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए घर के अंदर गमलों में मॉस की घास का प्रयोग करें और साथ साथ हर एक गमले पर खड़िया से 2-2 इंच का एक स्वस्तिक बनाएं। बाजार से सिलिका जेल लाकर उसकी छोटी छोटी पोटलियां बनाकर अपने घर के हर एक कमरे में रखें। एक एक महीने के अंतर पर इन पोटलियों को बदलते रहें। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमसे जुड़े रहें। कुछ नई टिप्स लेकर आपकी पंडितायन छवि शर्मा कल फिर उपस्थित होगी। तब तक आज के आनंद की जय।